व्यापारियों व जनता के भारी दबाव के चलते एनएच की ओर से देवराड़ी बैंड से मोटर मार्ग में डामरीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। जल्द स्टेशन बाजार लोहाघाट में भी डामरीकरण का कार्य कर लिया जाएगा। वहीं लोगों ने एनएच के अधिकारियों से उक्त गुणवत्ता युक्त कार्य करने पर भी जोर दिया। एनएच के सहायक अभियंता नरेंद्र रावत ने बताया कि डामरीकरण व नाली निर्माण का जो भी कार्य होगा वह उच्च गुणवत्ता युक्त होगा। रावत ने बताया एनएच द्वारा देवराणी बैंड से लेकर रायकोट स्थित एमजे होटल तक मोटर मार्ग में करीब 5 किलोमीटर डामरीकरण का कार्य किया जाएगा। रविवार से डामरीकरण का कार्य किया जाना था, लेकिन मशीन में तकनीकी खराबी आने के चलते रविवार को डामरीकरण का कार्य नहीं हो पाया। उन्होंने बताया कि सोमवार को शिवालय पुल से देवराड़ी बैंड की ओर करीब 1.5 किलोमीटर मोटर मार्ग में डामरीकरण का कार्य शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि लोहाघाट स्टेशन बाजार में भीड़भाड़ को देखते हुए रविवार को डामरीकरण किया जाएगा। उधर एनएच द्वारा विगत रविवार को स्टेशन बाजार में डामरीकरण की बात कहकर रेडी फंड हटाने के बावजूद डामरीकरण न किया जाने पर व्यापारियों ने गहरी नाराजगी जताई। व्यापारियों का कहना था कि अब एनएच द्वारा यहां डामरीकरण नहीं करना था तो उनके रेडी फंडों को क्यों हटाया गया। रेडी फंड हटाने से उनके काफी नुकसान उठाना पड़ा है। मालूम हो कि स्टेशन बाजार में डामरीकरण करने व नाली निर्माण की मांग को लेकर जनप्रतिनिधियों और व्यापारियों द्वारा काफी संघर्ष किया गया था। डामरीकरण बहुत लंबे समय बाद हो रहा है, कम से कम बहुत लोगों की आशंका थी कि आशा थी कि बहुत डामरी हो जाए करके, बड़े धरने भी हुए इसमें कि आशा एनएच से भी हमने वार्तालाप की। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह दिखने को मिलती है कि यहाँ पे एनएच 9 है और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि बिना नाली की रोड है। आप देख सकते हो बिना नाली की रोड है, और पीछे जब मैं चल रहा था तो यहाँ से आप देख सकते हो तो पटाल लगे रहते हैं, नालियाँ बनी रहती हैं, उसमें पटाल नहीं लगे, नालियाँ खुली है, पानी रोड बह रहा है। इससे भी संज्ञान डाला जाए और जब नाली बने तभी ये जो डामर है वो पड़े, और फिर उसके बाद पानी और रोड में आ जाएगा तो उड़ जाएगा वो चीज़ है। यही कुर्सी थोड़ी गुणवत्ता है, इस पर ध्यान दिया जाए। क्वालिटी देखो, इसमें थिकनेस तो जो रहती है गड्ढे हो रहे हैं, तो और जो समय के हिसाब से जितनी क्वालिटी अभी है तो जो इंजीनियर है जेई है वो लोग ही बता देंगे कितना गुणवत्ता क्या पड़नी चाहिए, उसमें हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन जो चीज़ हो रहा है थोड़ा सा इसमें सुधारीकरण होना चाहिए। ये नालियों का काम साथ साथ चल रहा है मार्केट क्षेत्र में, और हमारे जो आगे पाटन की तरफ नालियां बना दी गई हैं और वो टीम दूसरी है जो कि साथ साथ काम कर रही है, इसलिए इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, तक क्वालिटी का प्रश्न है, क्वालिटी के साथ कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, और बाकायदा इसकी लैब में टेस्टिंग होती है, जो मटेरियल वहाँ से हम लेते हैं, तो लिहाजा पूरे गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाता है। ठेकेदार को हमने 31 मार्च तक का टारगेट दिया है कि वो इस काम को पूरा करेगा, क्योंकि अभी मौसम भी अनुकूल है और इस हिसाब से हम टारगेट कर रहे हैं कि 31 मार्च तक ये कार्य पूर्ण कर रहे हैं। धन्यवाद। यूपी न्यूज़ 9 के लिए लोहाघाट से लक्ष्मण बिष्ट की।